अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मिस सुनैरा शाहीन के प्लेटफॉर्म से आपसे हम आज हेल्दी और अनहेल्दी फूड के बारे में बात करेंगे। और आपको मालूम है, इसके लिए मैंने अपनी एक नन्ही सी दोस्त को आपसे मिलने के लिए बुलवाया है। तो चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। जी अलीना, प्लीज। हाय। हाय, कैसी हैं आप अलीना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ। तो चलें, आज अलीना हमें बताएंगी कि उनको खाने में क्या पसंद है। मुझे खाने में पिज्जा, बर्गर, फ्राइज, नगेट्स और गुड़िया के बाल, चीज पॉपकॉर्न और ओके। तो अलीना को तो भूख लगना शुरू हो गई भाई, ये सारे नाम सुन के। क्या आपको भी लग रही है भूख? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी अलीना, क्या ये सारी चीजें हेल्दी हैं? अब मैं अलीना से पूछती हूँ कि वो नाश्ते में क्या खाना पसंद करती हैं। जी अलीना, आपके नाश्ते में क्या पसंद है? बिस्किट और जूस। जूस? फ्रेश जूस? डब्बे वाला जूस बहुत मजे का होता है, मुझे बहुत ताकत देता है। डब्बे वाला जूस? तो क्या डब्बे वाला जूस हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है? चलिए, अब मैं अलीना के लिए नाश्ते का कुछ सामान मंगवाती हूँ और देखते हैं कि अलीना उसमें से क्या खाना पसंद करती हैं। नाश्ता जी। तो अलीना, आपके सामने मैंने नाश्ते की कुछ चीजें रखी हैं। ये है अंडा, दूध, बिस्किट और जूस। तो अलीना, अब हमें अलीना बताएंगी कि अलीना इसमें से क्या खाना पसंद करेंगी। तो अलीना ने तो बिस्किट चूज किया है, तो क्या बिस्किट हेल्दी है? जी अलीना, क्या बिस्किट हेल्दी है? हाँ, बहुत हेल्दी है, बहुत मजे का है, मुझे बहुत एनर्जी भी देता है। और थैंक यू सो मच। लेकिन अलीना, क्या आप जानती हैं, अगर आपने अंडा और दूध चूज किया होता तो इससे आपको क्या फायदे मिलते? अंडा खाने से आपके जिस्म को मजबूती मिलती है, ताकत मिलती है और आप पूरा दिन एनर्जी में रहते हैं और सारा काम एनर्जी से करते हैं। और दूध पीने से हमारी हड्डियां मजबूत होती है और हम पूरा दिन एक्टिव रहते हैं। जी। तो नाश्ते के बाद अब हम अलीना से दोपहर और रात के खाने के बारे में बात करेंगे कि अलीना को खाने में क्या पसंद है। जी अलीना, मेरी मम्मा घर पे ना दाल चावल, बिरयानी, पुलाव, पास्ता और ना बर्गर भी बनाती हैं। और हम पता है, हमने स्कूल से वापसी में ना जब मुझे पिज्जा खाना होता है ना, तो हम पिज्जा भी खाते हैं। ओके, तो अलीना को पिज्जा बहुत पसंद है, ऐसी बात है अलीना जी। तो अब हम अलीना के सामने खाने का कुछ सामान रखेंगे और अलीना बताएंगी कि उन्हें क्या पसंद है खाना। जी, तो अब हमने अलीना के सामने कुछ खाने की चीजें रखी हैं, जैसे पिज्जा, सैलेड और फ्राइज। तो अलीना हमें बताएंगी कि अलीना इन चीजों में से क्या चीज खाना पसंद करेंगी। अलीना, ओके, तो अलीना को पिज्जा खाना पसंद है और अलीना फ्राइज खा रही है। क्या आप जानती हैं अलीना कि पिज्जा हम खा सकते हैं, लेकिन रोजाना नहीं, कभी कभार। और उसके साथ भी अगर हम हेल्दी फूड या सलाद वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप रोजाना सेम मील खाएं। ओ अच्छा, चलिए अब से मैं कोशिश करूंगी, मगर ये फ्राइज बहुत मजे की है। फ्राइज भी आप कभी कभार खा सकती हैं, लेकिन इसे भी डेली बेसिस पे आप अपने इस्तेमाल में नहीं लेके आएंगी, वरना आप बीमार पड़ सकती हैं। चले,
अब हम अलीना से उनकी शाम की रूटीन के बारे में बात करेंगे कि अलीना शाम में क्या करती हैं। जी अलीना, मैं ना अपनी दोस्तों के साथ नीचे खेलने जाती हूँ। हम छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, हॉपस्कॉच सब खेलते हैं। और पता है कुल्फी वाले अंकल आ जाते हैं और हम बहुत मजे की कुल्फी खाते हैं। उनके साथ एक गुड़ियों के बाल वाले अंकल भी होते हैं, वो भी खाते हैं। और आपको पता है मुझे मीठी चीजें खाना बहुत पसंद है। ओ, क्या आपके मुताबिक ये गुड़िया के बाल और कुल्फी खाना ये हेल्दी फूड हेल्दी है? अच्छा चलो मुझे ये बताइए कि आप जब घर जाती हैं तो घर जाके क्या खाती हैं? चॉकलेट्स और जेलीज। ओके, चॉकलेट्स एंड जेलीज। चॉकलेट्स तो आजकल सब बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है कि चॉकलेट खाने से क्या हो सकता है? चॉकलेट खाने से हमारे दांत खराब हो सकते हैं, हमारे दांतों में कीड़ा लग सकता है और दर्द होता है। लेकिन जब भी हम चॉकलेट खाएं तो हमें उसके बाद ब्रश लाजमी करना चाहिए ताकि हमारे दांत महफूज रह सकें। तो चले अब हम अलीना के सामने कुछ स्नैक्स रखते हैं और देखते हैं कि वो उसमें से क्या खाना पसंद करती हैं। आप तैयार हैं अलीना? जी। स्नैक्स। जी, तो अब हमने अलीना के सामने कुछ स्नैक्स रखे हैं, तो जिसमें चॉकलेट एंड जेलीज, फ्रूट्स जिसमें एप्पल है एंड ऑरेंजेस हैं, एंड सैंडविचेस, यस, डिफरेंट काइंड ऑफ सैंडविचेस एंड जूस। तो अब हम देखेंगे कि अलीना इसमें से क्या खाना पसंद करेंगी। जी अलीना, आप अपनी पसंद का कोई सा भी मील उठा सकती हैं। अलीना ने चॉकलेट एंड जूस को पसंद किया है। अलीना, आपको जूस पीना बहुत पसंद है? बहुत अच्छा। और पता है चॉकलेट तो मेरी फेवरेट है। क्यों? मीठी होती है, मजे की होती है। चॉकलेट मीठी होती है इसीलिए आपको अच्छा लगता है। तो आप अगर इन फ्रूट्स का जूस पियेंगी, इन फ्रूट्स को का जूस बना के पियेंगे, इन फ्रूट्स को ऐसे भी खाएंगे तो ये इनके अपने अंदर भी मिठास होती है जो आपको ताकत दे सकती है। बजाय इसके कि आप चॉकलेट का मीठा इस्तेमाल करें, आप अपने मीठे में इन सारी चीजों का मीठा इन सारी चीजों का मिठास भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो आपको सेहतमंद रहने में फायदा देगी। सही है। ये कौन से सैंडविचेस हैं? ये चिकन सैंडविचेस एंड चीज, चिकन चीज सैंडविच एंड द वेजिटेबल सैंडविच। मैं चीज सैंडविच खा लूं? यस। देखा आपने, हेल्दी फूड भी बहुत मजे के होते हैं और इनके अंदर भी आपको वैसा ही जायका मिलेगा जैसा आपको दूसरे खानों में मिलता है। अब से मैं स्नैक्स में सैंडविच, चीज सैंडविच और ऑरेंज जूस पीऊंगी। वेरी नाइस, वेरी गुड अलीना। थैंक यू। जी देखा बच्चों आपने, अलीना को तो समझ आ गई कि हेल्दी फूड खाना उनके लिए कितना जरूरी है और हमें सेहतमंद रहने के लिए हेल्दी फूड लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि अलीना की तरह आपको भी समझ आ गया होगा कि ये फ्रूट्स एंड सैंडविचेस और इसके अलावा दूसरे खाने जो हमें ताकत देते हैं वो हमारी सेहत के लिए कितने जरूरी हैं। तो आज से आप सब भी हेल्दी फूड का इस्तेमाल करना शुरू कर दें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक बना सकते हैं। चले बाय करें, मैं सैंडविच खत्म कर लूं। ओके चले ठीक है, अब हम आपको अल्लाह हाफिज कहते हैं। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द हम आपसे मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। चले अलीना, अल्लाह हाफिज करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।